chapter percentage, changing percentage to fraction. Changing percentage, now the percentage has been given and we have to change it into fraction. Percentage दिया हुआ है, fraction में change करना है. So as you all know that what is fraction, fraction means out of 100 और percentage means out of 100. Percentage क्या होता है, means 100 में कितना. हम जब भी percentage निकालते हैं वो हम किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं. So means out of 100. So यहाँ पे percentage दिया हुआ है, so we can convert it into fraction because 25% percent percent की sign हटा के हम यहाँ पे fraction कर देंगे. Fraction means out of 100. Okay, so 25% means 25 upon 100. 25% means 25 upon 100 because percentage means out of 100, 100 में. तो 25% means 25 upon 100, 100 में 25. Now we have changed it into fraction, percentage को fraction में change करना है. Now we have changed it, but it is not in simplest form. हमें इसको simplest form में convert करना होगा. So simplest form, how to convert into simplest form? Just divide it. इसको हम 5 से भी दोनों को divide कर सकते हैं और common factor से भी divide कर सकते हैं. Its common, highest common factor is 25. Highest common HCF, इन दोनों का HCF कितना आएगा, 25 आएगा. So हम इसको cut कर सकते हैं, 25 1s and 25 4s. Okay, और आप इसको 5 5s से भी cut कर सकते हैं, 5 5s are 25 and then 5 20s are. फिर अगेन आप 5 को कट करेंगे, 20 को 4 से कट करेंगे तो भी 1 upon 4 आंसर आएगा. और यहाँ डायरेक्टली करेंगे देन ऑल्सो द आंसर इज 1 upon 4. ओके, नाउ 70% अगेन 70%. सो आउट ऑफ 100, सो फर्स्ट कन्वर्ट परसेंट इनटू 100, दैट इज 70 upon 100 इज इक्वल टू. नाउ डोंट डिवाइड इट, आप इसका एस सी एफ मत निकालिए. एज यू ऑल नो डैट हियर वी हैव 1 0 एंड हियर ऑल्सो देर इज 2 0. 1 0 से 1 0 हम कट कर सकते हैं. वॉट इज लेफ्ट, 7 upon 10. अब 7 upon 10 डिवाइड नहीं हो सकता है. ओके, सो द आंसर इज 7 upon 10. नाउ 2% अगेन कन्वर्ट इन टू फ्रैक्शन, 2 upon 100. सिंपल आपको ये करना है, परसेंट की साइन हटा के आउट ऑफ 100 कर देना है बिकॉज परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100. परसेंट मींस क्या होता है, 100 में. सो आउट ऑफ 100 नाउ डिवाइड, दोनों ही इवन नंबर है ये डिवाइड हो सकते हैं. 2 1s are 250. सो इज इक्वल टू 1 upon, ये नया हम नंबर हमें क्या मिल गया, 1 upon 50. सो राइट हियर 1 upon 50 डन. सिंपल, परसेंट की साइन हटाइए, 100 से डिवाइड करिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करके आंसर आप राइट कर दीजिए. चेंजिंग परसेंटेज टू डेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट एनी परसेंटेज इनटू डेसिमल. सो लेट्स सी अगेन द क्वेश्चन आर इन परसेंटेज. अगेन परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100. सो फर्स्ट कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. हाउ, जस्ट रिमूव द परसेंटेज साइन and divided by 100 because percentage means out of 100. So 6 upon 100. Okay, 6% means 6 upon 100. Now we have to divide it into decimal. हमें इसको simplest form में नहीं, हमें इसको divide करना है कि answer decimal में आ जाए. Okay, so don't just complete divide it, full long method करके आप divide मत करिए. What you have to do, just see the number of zeros. Here we have 2 0. It means that we have to put the decimal in the numerator after 2 digits from the right hand side. How? Just see, here we have 6 in the numerator and we have to put 0 after 2 digits. Okay? हमें 2 digit के बाद यहाँ पे decimal put करना है because in denominator we have 2 0. But हम कैसे put करेंगे, क्योंकि 6 तो सिर्फ 1 digit number है. So हम 6 को 2 digit number बना लेंगे. कैसे बनाएंगे, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे 0 पुट करिए और 1 डेसिमल यहाँ लगा दीजिए. ओके, सो द आंसर इज 0.06. रिमेंबर दैट यू हैव टू पुट द 0 इन द लेफ्ट हैंड साइड, नॉट ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज इफ यू विल पुट 0 ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बिकम 60. ओके, ये 60 हो जाएगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. आपको डेसिमल लगाना, सॉरी 0 पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, जिससे ये 0.6 हो गया. अब इससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो द आंसर इज 0.06.
बट पॉइंट से पहले हम स्टार्टिंग में 1 0 लगा देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप लगा सकते हैं. सो सी अनदर एग्जांपल, 90 upon 100. ओके, नाउ एज देयर आर 2 0 सो वी हैव टू पुट डेसिमल आफ्टर 2 digit. बट एज वी ऑल नो दैट वी ऑलवेज कट 0 by 0. अगर न्यूमरेटर में भी लास्ट में 0 है और डिनोमिनेटर में भी लास्ट में 0 है तो हम 0 को 0 से कट कर सकते हैं. तो कट है 0 0. अगेन रिमेंबर, अगर लास्ट में 0 है, एंडिंग 0 से हो रही है तो ही हम कट कर सकते हैं. अगर किसी नंबर की एंडिंग 0 से हो रही है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो हम आपस में कट कर सकते हैं, बट अगर मिडिल में कहीं 0 हो तो आप कट नहीं करेंगे. ओके, नाउ 0 से 0 हम कट कर दिए. नाउ वी हैव ओनली 1 0 लेफ्ट, यहाँ पे सिर्फ 1 0 है, तो आंसर में हमें 1 digit के बाद डेसिमल पुट कर देना है. सो द न्यूमरेटर इज 9, आफ्टर 1 digit वी हैव टू पुट डेसिमल एंड जस्ट पुट 1 0 इन द स्टार्ट. स्टार्टिंग में हम 0 लगा देते हैं क्योंकि डेसिमल से नंबर स्टार्ट होता है तो वो प्रॉपर आंसर नहीं है, आप 0 स्टार्टिंग में लगा दीजिए. नाउ अनदर एग्जाम्पल आई हैव टेकन इन विच डेसिमल इज ऑलरेडी देयर. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल है. 22.5% को हमें चेंज करना है डेसिमल में, परसेंटेज है इसको डेसिमल में चेंज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमूव द परसेंटेज साइन एंड डिवाइड इट बाई 100. आप 100 से डिवाइड करिए. नाउ अभी आपने देखा कि जब 0 है डिनोमिनेटर में तो हम राइट हैंड साइड से उतनी 2 digit के बाद डेसिमल पुट कर दिए. ओके, 0 न्यूमरेटर में भी होगा, 0 डिनोमिनेटर में भी होगा, तो हम 0 से 0 कट कर देंगे, फिर उसके बाद हम डेसिमल पुट करेंगे. बट अब क्या करेंगे जब ऑलरेडी न्यूमरेटर में डेसिमल होगा. इस केस में हम ये करते हैं, जस्ट काउंट द 0, देयर आर 2 0. ओके, 2 0 है सो वी हैव टू शिफ्ट द डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल पहले से है. सो वी हैव टू शिफ्ट द डेसिमल बाई 2 digit लेफ्ट हैंड साइड. अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो हमें डेसिमल को 2 digit शिफ्ट करना है, 1 2, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे. सो द आंसर विल बी 2 2 5. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि डेसिमल यहाँ पे है, डिनोमिनेटर में 2 0 है, हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है 2 digit लेफ्ट हैंड साइड पे. राइट पे नहीं शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे. सो 1 शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया, 2 शिफ्ट हुआ तो स्टार्टिंग में आ गया. ओके, सो पुट द डेसिमल हियर एंड पुट 1 0. ओके, अगेन जब भी हम 0 वाले नंबर से डिवाइड करते हैं डेसिमल को हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, अगर हम 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं. क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है 2 digit. चेंजिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज, हाउ टू चेंज द डेसिमल नंबर्स इनटू परसेंटेज. प्रीवियस यू हैव सीन हाउ टू चेंज द परसेंटेज टू डेसिमल, परसेंटेज टू डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं. ओके, सो यू हैव सीन दैट वाइल चेंजिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल वी हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 100. हमें नंबर को 100 से डिवाइड करना है. ओके, नाउ वी हैव द अपोजिट स्टेप्स हियर, क्योंकि परसेंटेज को डेसिमल में चेंज किए थे तो 100 से डिवाइड किए थे, अब डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है. परसेंटेज टू डेसिमल डिवाइड बाय 100, डेसिमल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, स्टेप्स चेंज हो जाएंगे. सो सिंपल हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है. सो लेट्स सी, 0.48 मल्टीप्लाई बाई 100. सो एज आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100 इन डेसिमल वी हैव टू शिफ्ट द डेसिमल बाई सेम नंबर ऑफ डिजिट. लाइक देर आर 2 0 सो वी हैव टू शिफ्ट द डेसिमल बाई 2 digit. ओके, 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. सो 2 0 इज हियर, शिफ्ट द डेसिमल 1 2, सो इट विल बी 48%. ओके, 48%, बिकॉज डेसिमल इज, डेसिमल अभी कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, लास्ट में डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है, स्टार्टिंग में वैल्यू है,
ओके यहाँ लेफ्ट में स्टार्टिंग में वैल्यू है बट राइट साइड में कोई वैल्यू नहीं होती है. नाउ अगेन 0.03 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू अगेन 20 आर हियर शिफ्ट डेसिमल बाई 2 डिजिट सो इट विल बी 3%. ओके 3% स्टार्टिंग में 0 रह जाएगा. स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती बिकॉज देर आर नो वैल्यू. 0 जब भी स्टार्ट में हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती सो लीव द 0 एंड जस्ट राइट 3%. 0.1% सो 0.1 सॉरी नॉट परसेंट ओनली 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करना है सो 20 आ गया. नाउ वी हैव टू शिफ्ट द डेसिमल बाई 2 डिजिट. फर्स्ट राइट अ नंबर. ओके हमें इस डेसिमल को 2 डिजिट में शिफ्ट करना है बट एज यू ऑल कैन सी दैट वी हैव ओनली 1 डिजिट नंबर दैट इज 1. हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट नंबर है सो हमें इसको 2 डिजिट बना देना है. हम कैसे 2 डिजिट बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया डेसिमल. अब हमें 1 डिजिट और शिफ्ट करना है पर हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है. हम राइट में 10 पुट करेंगे और फिर यहाँ डेसिमल लगाएंगे बट एज यू ऑल नो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ डेसिमल इन द एंड सो लीव इट एंड राइट अ डेसिमल साइन. ओके हमें राइट साइड पे डेसिमल को शिफ्ट करना है. 2 डिजिट नहीं है तो हम राइट में 0 को 0 लगा के 2 डिजिट बना के और डेसिमल पुट करेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. जस्ट रिमेंबर इट whenever we have to convert percentage to decimal, percent को decimal में convert करेंगे 100 से divide करेंगे decimal को percentage में change करेंगे तो 100 से multiply करेंगे. Okay, that's all. Thank you.